Friends, my name is Nargis Gupta. In last video, we have discussed about the interview questions based on a data structures and algorithm. चार questions हमने किए थे. Now इस video में हम fifth number का question start करते हैं. Next 4-5 questions इस video में हम cover up करेंगे. Total हमारा target है कि हम पूरे data structures से related और algorithm से related 100 questions करें जो interview में previously पूछे गए हैं. किसी भी कंपनी में SCL, Infosys, Wipro, Jensa, Capgemini, Accenture सारी कंपनीज के लिए हम इनको प्रिपरेशंस हमारी हो जाएगी. नाउ लिस्ट द डेटा स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड इन RDBMS, नेटवर्क डेटा मॉडल एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल. हमें ये बताना है कि इन सब में कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं. तो सबसे पहले RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस इज अ डेटाबेस सिस्टम दैट स्टोर्ड एंड रिट्रीव डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट. ठीक है, स्टोर कर रहा है और रिट्रीव कर रहा है डेटा टेबुलर फॉर्मेट में. और यदि आपको याद हो तो लास्ट वीडियो का जब हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स की बात की थी तो उसमें एरे डेटा स्ट्रक्चर था जिसका एप्लीकेशन ये था कि इट स्टोर्ड द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट. तो वहीं से यहां से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि आप जो डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरेज की बात करें तो रोज एंड कॉलम्स दो फॉर्म में, और सिंगल डायमेंशनल एरोज की बात करें तो आपके पास में एक ही डायमेंशन होगा. तो उस केस में आपका एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा. कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा RDBMS में? एरे डेटा स्ट्रक्चर. नाउ सेकेंड वन इज नेटवर्क डेटा मॉडल. नेटवर्क डेटा मॉडल की बात करें अपन तो नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं, हमने ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर देखा था कि नेटवर्किंग रिलेटेड एप्लीकेशंस हो गए या फिर आपके रूट रिलेटेड एप्लीकेशंस हो गए. जहां पर हम मैप्स की बात करते हैं तो वहां पे आप ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं. नाउ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर्स में हमने ये बोला था कि एक कोई एलिमेंट है और उससे मोर देन वन नोड्स एसोसिएटेड है. ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? हायरार्किकल होता है. हायरार्किकल मतलब उसको पर्टिकुलर किसी भी सीक्वेंस में हम रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं. जब हम रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं और हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, डेटा आर ऑर्गेनाइज इन टू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर यदि हायरार्किकल मॉडल की हम बात करें. सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा, इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चंस कर रहा है आप वो चाहें तो वो इंटरव्यूअर आपके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कर सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, तो आप बताइए कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑर्डर टू परफॉर्म द ऑपरेशंस. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर द एप्लीकेशंस ऑफ, देर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. यहां पे आप उसको लाके छोड़ दीजिए, वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा ओके व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. देखिए आप ही का क्वेश्चन था, उसने आपका क्वेश्चन आपसे पूछ लिया. एप्लीकेशंस आपने ऑलरेडी देख चुके थे, इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 90% चांसेस हैं कि एरे से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा कोई इंटरव्यूअर तो मल्टी डायमेंशनल एरेज में रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर पे फोकस करेगा. कभी कभी वो डायरेक्ट फार्मूला लिखवा लेते हैं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कैसे आप एरे को रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में, कैसे 2D एरे को रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में, कैसे 3D एरे को रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी के अंदर. सो तीन क्वेश्चंस इससे पूछ सकता है वो कि व्हाट इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे, पहला क्वेश्चन. दूसरा, हाउ द एलिमेंट ऑफ 2D एरे आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, कैसे हम 2D एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे मेमोरी में. या फिर वो पूछ लेता है सकता है डायरेक्टली व्हाट इज द रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर. तीनों को आंसर हमें इस वीडियो में यहां पे मिल जाएंगे. नाउ सबसे पहली चीज, मल्टी डायमेंशनल एरेज होता क्या है? मल्टी डायमेंशनल एरे, लेट सपोज आपने एक डेटा टाइप है इंटीजर और आपने इसको इस तरह से इनिशलाइज किया, यहाँ पे i है, यहाँ पे j है. ठीक है, तो i क्या हो गया, लेट सपोज ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, j आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसमें क्या है, मल्टीपल डायमेंशंस हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपका होता है मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर.
2D एरे में मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि उसमें रोज भी होती हैं और उसमें कॉलम्स भी होते हैं. ये मैंने एक यहाँ पे लेट सपोज एक मैट्रिक्स बना रखा है जिसमें नंबर ऑफ रोज ये हैं और कॉलम्स आपको गिवन हैं, ठीक है, 1, 2, 3 और 4. तो टोटल 4x4 का हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, जिसमें 4 रो एंड 4 कॉलम्स हैं. बेसिकली हमारा पर्पस क्या है? देखिए, एरे के थ्रू एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और पुटअप कर देता हूँ कि रेंडम एक्सेस क्या हम एरे के थ्रू पॉसिबल? यस, एरे के थ्रू आप रेंडम एक्सेस पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ अ बेस एड्रेस, क्योंकि एरे के केस में आपको बेस एड्रेस पता होता है. विद द हेल्प ऑफ अ बेस एड्रेस आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं रेंडमली, बट ये लिंक लिस्ट के केस में पॉसिबल नहीं है. लिंक लिस्ट के केस में आप सिक्वेंशियली एक्सेस कर पाएंगे. नाउ यहाँ पे A11, A12 ये पर्टिकुलर क्या है? एड्रेस है, लोकेशन है, पर्टिकुलर एलिमेंट का इस पर्टिकुलर पोजिशन पे स्टोर्ड है. तो यदि रो 1 है तो A11, A12, A13, A14, यहाँ पे क्या होगा? 21, 23, 24. तो ऐसे करके टोटल हमारे पास में 4x4 मतलब 16 टोटल एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे स्टोर्ड है. अब बात आती है कि रो मेजर ऑर्डर क्या है और कॉलम मेजर ऑर्डर क्या है. देखिए, मेमोरी में जो एरे के एलिमेंट्स हैं, यदि हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें, तो एरे के एलिमेंट्स को हम दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं. या तो हम रो वाइज स्टोर कर सकते हैं या कॉलम वाइज स्टोर कर सकते हैं. आप रो वाइज कॉलम वाइज क्यों स्टोर कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करती है. लाइक हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में रो मेजर ऑर्डर को यूज करती है. मतलब किस यदि एरे को के एलिमेंट्स को स्टोर कराना है तो सी प्रोग्रामिंग में रो मेजर ऑर्डर के थ्रू हम स्टोर करते हैं. रो मेजर ऑर्डर में देखिए क्या होता है. पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि गेट एग्जाम में या इंटरव्यू में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, या आपसे वाइवा में यूनिवर्सिटी वाइवाज में भी पूछ लेता है कि आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है आई और जे. आई और जे क्या है? आपकी उस पर वो पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसकी आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है. लेट सपोज A32 की आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है, 32, तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. थर्ड रो आपकी ये है और सेकेंड कॉलम आपका ये है, तो ये आपको एलिमेंट यहाँ से मिल जाएगा. तो हमें क्या चाहिए? बेस एड्रेस चाहिए. इस पर्टिकुलर एरे का कोई ना कोई बेस एड्रेस होगा. लेट सपोज 1000 इज अ बेस एड्रेस. हमने ये एज्यूम कर लिया कि बेस एड्रेस मेरा 1000. W मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइज ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स. यदि इंटीजर टाइप की बात कर रहे हैं आप तो 2 बाइट्स, कैरेक्टर 1 बाइट्स, ये क्वेश्चन में गिवन होगा. तो ये W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज ऑफ ईच बाइट, तो हर एक बाइट का साइज हो गया आपको. नाउ फॉर्मूला क्या कहता है? आई माइनस लोअर बाउंड 1. देखिए, बहुत सारी बुक्स में ये फॉर्मूला गलत लिखा है. वो क्या कर देते हैं? आई माइनस 1 कर देते हैं. आई माइनस 1 इज टोटली रॉन्ग. ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका इंडेक्स जो लोअर इंडेक्स है आपका वो 1 से स्टार्ट हो रहा है. वही वो कुछ भी हो सकता है, वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 0 हो सकता है. तो कभी भी हम 1 से इसको माइनस नहीं करेंगे. लोअर बाउंड 1, जो भी लोअर बाउंड होगा वो. लेट सपोज यहाँ पे एरे है मेरे पास 1, 2, 3, ठीक है, और यहाँ 1, 2, 4. तो दिस इज कॉल्ड द लोअर बाउंड 1, दिस इज अ लोअर बाउंड 2, अपर बाउंड 1 एंड अपर बाउंड 2, ये कहलाता है आपका. तो लोअर बाउंड 1 मल्टीप्लाई एन सी मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जितने होंगे उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जे माइनस लोअर बाउंड 2. अब मैं अभी एग्जाम्पल में से एक्सप्लेन कर दूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू, तो आपको और क्लियर हो जाएगा. यहां पर आप देखिए कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मेमोरी के अंदर रो मेजर ऑर्डर को. तो भाई जो भी आपका मेमोरी है उसमें रो वाइज एलिमेंट को स्टोर कर दीजिए. मतलब सबसे पहले रो 1 के एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, फिर रो 2 के हो जाएंगे, फिर 3 के हो जाएंगे, फिर 4 को हो जाएंगे. तो A11, A12, A13, A14, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आपके स्टोर हो गए. ऐसे A21, A22, A23 एंड सो ऑन, इस तरह से आपके एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे. ये रो वाइज ऑर्डर कहलाता है. मतलब पहले रो के एलिमेंट, फिर सेकंड रो के एलिमेंट. कॉलम वाइज में जस्ट अपोजिट, कॉलम वाइज आपके एलिमेंट्स स्टोर होते हैं. लाइक इस तरह से फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया. ठीक है, कॉलम वाइज ऑर्डर में यदि मैं स्टोर कर दूं सबसे पहले तो A11, A21, A31, A41, ये हो गया आपका कॉलम वाइज. फिर A12, A22, A32, A42 एंड सो ऑन, ये कॉलम वाइज आपका मेमोरी में एलोकेशन हो गया. अब कॉलम वाइज और रो वाइज के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? माइनर सा डिफरेंस है
कि इनको इंटरचेंज कर दो, इन दोनों की पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दो। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि रो मेजर ऑर्डर निकाल रहे थे, तो जस्ट अपोजिट ये कॉलम मेजर ऑर्डर निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ रो से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका फॉर्मूला बनता है रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर से रिलेटेड। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है, गेट 1998 में पूछा गया था कि दो डायमेंशनल एरे है आपके पास में, एरे के एलिमेंट्स ये हैं और एज्यूम दैट ईच इंटीजर टेक्स वन बाइट, मतलब W का साइज आपको गिवन है यहाँ पे वन बाइट। एरे इज स्टोर्ड इन द रो मेजर ऑर्डर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज स्टोर्ड 100, मतलब बेस एड्रेस आपको गिवन है 100, तो ये हो गया आपका बेस एड्रेस। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए आई जे, मतलब इसका एड्रेस उसने पूछा है, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, ए आई और जे का एड्रेस उसने पूछा है, ठीक है। आपका फॉर्मूला बेस एड्रेस, बेस एड्रेस इज 100 प्लस W, W की वैल्यू कितनी है 1, इसको सॉल्व कर लीजिए आप i, तो i एज इट इज क्योंकि i j के फॉर्म में, i माइनस लोअर बाउंड 1 कितना है आपके पास में 1, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालते हैं अपन, अपर बाउंड 2 माइनस लोअर बाउंड 1 प्लस 1, सो कितना हो गया 15, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 15 प्लस क्या होता है यहाँ पे j माइनस लोअर बाउंड 2 कितना है 1, तो 1, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 15i माइनस 15 प्लस j माइनस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 100 प्लस ये हो गया 15i, ठीक है, प्लस j माइनस ये कितना हो गया आपका माइनस 15 माइनस 15 16, तो इसको जब आप इससे माइनस करेंगे तो 15i प्लस j प्लस का क्या हो जाएगा 84, सो ये आपका क्या निकल के ए आई जे की लोकेशन निकल गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। नाउ ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिस्ट द एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस वेयर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं स्टैक के। आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देख लीजिए, अननेसेसरली इस वीडियो में हम टाइम इसमें वेस्ट ना करें। नाउ आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर दी ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ स्टैक। देखिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स पे जो चार ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, पहला ऑपरेशंस होता है आपका पुश मतलब इंसर्शन करना, पॉप मतलब डिलीशन करना, पीक और टॉप की वैल्यू को फाइंड आउट करना, और इज एम्प्टी, स्टैक आपका एम्प्टी है या नहीं है, यदि एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेंगे अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। पुश मतलब इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द स्टैक, पॉप मतलब रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, पीक और टॉप रिटर्न द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, मतलब स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है वो आपको रिटर्न कर देगा और उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। इज एम्प्टी मतलब रिटर्न ट्रू इफ द स्टैक इज एम्प्टी, मतलब इज एम्प्टी का क्या मतलब है, इज एम्प्टी मतलब एम्प्टी है या नहीं है स्टैक, यदि स्टैक आपका एम्प्टी है तो रिटर्न ट्रू कर देगा अदरवाइज क्या कर देगा रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पे। नाउ राइट दी स्टैक ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशंस। आपने पुश एंड पॉप की एल्गोरिथम देखी होगी, नहीं देखी है तो स्टैक रिलेटेड मेरे वीडियोज आप देख सकते हैं, वहां पर पुश एंड पॉप की एल्गोरिथम है, चार लाइन का कोड है, बहुत सिंपल सा है। ओवरफ्लो मतलब यदि स्टैक मेमोरी आपकी फुल हो चुकी है तो एक वार्निंग दे देता है कि स्टैक इज ओवरफ्लो, मतलब हम अब स्टैक में न्यू एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो व्हेन स्टैक इज कम्प्लीटली फुल मतलब टॉप इक्वल्स टू मैक्स साइज माइनस वन, मैक्स साइज माइनस वन क्यों किया आपने, माइनस वन क्यों किया क्योंकि लेट अस अज्यूम कि बाय डिफॉल्ट हम स्टैक को एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं और एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसका इंडेक्स क्या है आपका जीरो है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं इंडेक्स इज जीरो, तो जीरो से स्टार्ट हुआ तो मैक्स साइज लेट सपोज उसका साइज है 10, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया आपका 9, तो जीरो से स्टार्ट हुआ तो 0 टू 9, यदि टॉप की वैल्यू आपकी 9 है मतलब आपका स्टैक फुल है। एंड वी ट्राई टू इंसर्ट मोर एलिमेंट ऑन टू द स्टैक देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड द ओवरफ्लो, मतलब हम ट्राई कर रहे हैं, वाटर टैंक है, वाटर टैंक में पानी ऑलरेडी भर चुका है और उसमें भर रहे हैं तो ऑब्वियसली पानी आपका फिलेगा, वही कहलाता है आपका ओवरफ्लो। अंडरफ्लो जस्ट अपोजिट कंडीशन, स्टैक में कुछ है ही नहीं और आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वाटर टैंक में पानी ही नहीं है और आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है अंडरफ्लो। टॉप इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस वन क्यों लिया क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था कि स्टैक जो है आपका जीरो 1, 2 मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, तो यदि माइनस 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा अंडरफ्लो। एंड वी ट्राई टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड द अंडरफ्लो कंडीशन।
एक और क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में हम, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पॉप? आपको पता है पुश मतलब इंसर्शन, पॉप मतलब डिलीशन. सिंपल सा है. पुश मींस इंसर्शन. पुश इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड मोर एलिमेंट टू द स्टैक. पॉप इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. तो थैंक यू सो मच. पार्ट 3 में हम नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.